मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में एक मकान के विवाद के चलते भांजे ने अपने मामा के ऊपर तेजाब डालकर उसे जान से मारने की कोशिश की। मामा को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सिर्फ क्या मामला है, भांजे ने मामा के ऊपर जो करबुलर अहमदनगर में जो तेजाब डाला, पूरा मामला क्या है? मसरूर और इमरान मामा भांजे हैं। आज सुबह 7:45 बजे सूचना प्राप्त हुई कि मसरूर के ऊपर तेजाब डाला गया है उसके भांजे द्वारा और वह अस्पताल में एडमिट है। इस सूचना पर जब दरोगा जी को रवाना किया गया मौके पर, तो ज्ञात हुआ कि इनका आपसी मामा भांजे का मकान को बेचने को लेकर विवाद है, पैसे को लेकर। इसी संबंध में इमरान द्वारा मसरूर के ऊपर तेजाब फेंका गया है। मसरूर अभी जिला अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में सूचना प्राप्त हो गई है, FIR करा के आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कितना जला है मसरूर को? अभी उसका चेहरा जला हुआ है और हाथ भी थोड़ा बहुत जला हुआ है और 326 में उसका अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हो पाई? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वो मशरूर नाम का मरीज था जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी। वो जिसको कांस्टेबल 2496 मनीष कुमार PRV 0263 मुरादाबाद लेकर आए थे, वो मरीज संभवतः तेजाब के द्वारा जला हुआ था। उसकी आँखें, चेहरा, गर्दन जले हुए थे। मरीज को इमरजेंसी में भर्ती कर लिया गया, उसका उपचार चल रहा है। किस तरह की कंडीशन इसकी विस्तृत जानकारी तो आँखों की जाँच के